So welcome back students. Now in previous class I have explained you about the poem that is given by the Rabindranath Tagore, Where the Mind is Without Fear. Okay, so now next is activity 8. So just as poems have symbols and Indian has symbols, stories often have symbols too. Now as you have learnt about in the previous class, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था poem पढ़ाई थी रविंद्रनाथ टैगोर की, है ना? तो रविंद्रनाथ टैगोर में जो 6th line था, जैसे यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि कुछ poems में भी symbols होते हैं, जैसे India's में symbols होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि national flag में जो ऑरेंज कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ऑरेंज क्या हो गया, वो सिंबल है. तो ऑरेंज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक्रीफाइस को. ठीक है, तो सेक्रीफाइस क्या हो गया, उसका सिंबल. समझ में आया? तो वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि पोएम्स में भी सिंबल्स होते हैं. जैसे वेर 6th लाइन में अगर आप जाओगे पोएम में, वेर द माइंड इज विदाउट फियर, तो वहाँ पर दिया है कि वेर द 6th लाइन में, वेर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट lost its way into the dreary desert sand of dead habit. तो यहाँ पे क्या है कि जो stream of reason है, ठीक है, तो इस poem में भी जो symbols होते हैं वो काफ़ी common होते हैं. तो जो stream है, जो stream is a symbol for reason. Stream जो है उसका symbol क्या है, क्या होगा, reason होगा. ठीक है, तो वैसे ही जैसे अभी ये अपने पोएम्स में भी सिंबल्स होते हैं, इंडियाज में भी सिंबल्स होते हैं. ठीक है, जैसे नेशनल बर्ड है तो पिकॉक है, तो पिकॉक का क्या सिंबल, तो नेशनल फ्लैग का सिंबल क्या है, पिकॉक. ठीक है, तो वैसे ही स्टोरीज में भी सिंबल्स होते हैं. मैनी स्टोरीज यूज एनिमल्स एज सिंबल्स. काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्टोरीज होती है जो हम एनिमल्स को भी हम सिंबल्स की तरह यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनी स्टोरीज यूज द लायन एज अ सिंबल ऑफ रॉयल्टी. यानी इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्टोरीज होती है जहाँ पे हम लायन को यूज़ करते हैं, बट एज अ सिंबल. कैसे, उसका सिंबल क्या होगा, जैसे रॉयल्टी. रॉयल्टी मतलब जब एक से ज़्यादा मेंबर्स जो होते हैं वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइम्स Have you heard that a lion is a king? जैसे आपने कितनी बार सुना होगा कि जो lion है उसको हम क्या समझते हैं कि जो जंगल का राजा है, तो हम वो कितनी बार हमने वो सुनी है बात. Different people can give the same symbols different meanings. यानी कि जो अलग अलग जो लोग होते हैं वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग symbols की तरह represent करते हैं. ठीक है, फॉर सम पीपल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, फॉर सम पीपल कैट्स सिम्बोलाइज मैनी पार लॉन्ग लाइफ. ओके, तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो कैट्स जो है उसको क्या सिम्बोलाइज किया जाता है, कि कैट क्या कोई ऐसा सुपरस्टिशन नहीं है, यानी कि उनकी ऐसी मान्यता होती है किसी की, जो कैट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि उनकी लॉन्ग लाइफ होती है, मतलब जो भी कैट जिसके घर में हो तो उनके फैमिली मेम्बर्स की लॉन्ग लाइफ होती होगी. तो ऐसा सब वो लोग अपने सुपरस्टिशंस करते हैं. तो कुछ दूसरे लोग क्या समझते हैं, जैसे ब्लैक कैट है सिम्बोलाइज बैड लक. अब जैसे कि अगर आप सुना होगा आपने, अगर कभी हम कहीं जाते हैं और अगर जो काली बिल्ली होती है वो रास्ता काट देती है, तो हम क्या समझते हैं कि वो तो बैड लक है. ठीक है, तो ये सब क्या है कि हम एनिमल्स को भी सिंबल्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं. अगर जैसे अभी हमने पोएम में सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया, इंडिया के सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया है, अब हम देखेंगे कि स्टोरीज में भी कैसे हम ये सिंबल्स को यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट. सो नेक्स्ट, चेक आउट पेज नंबर 9. द स्टोरी इज द फॉक्स एंड द रैबिट. यहाँ पे टाइटल दिख रहा है आपको, द फॉक्स एंड द रैबिट. ठीक है, तो अभी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ इसकी. देयर वॉज वंस अ वेरी क्लेवर फॉक्स हु लव टू ब्रेक ऑफ हिज क्लेवरनेस. अब इस फर्स्ट लाइन में ये बोला है कि
एक बार एक जंगल में एक बहुत ही ज़्यादा क्लेवर फॉक्स था। क्लेवर मतलब जो काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो चालाक होता है या फिर इंटेलिजेंट भी बोला जाता है, ठीक है। हु लव टू ब्रैग ऑफ हिज क्लेवरनेस, यानी जिसको अपनी प्रशंसा यानी कि जिसको अपने बारे में हमेशा अच्छी क्वालिटीज़ ही बताता है। ब्रैग मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ही प्राउडली में बोलता है, जैसे मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज वन डे ही सेड टू द रैबिट, आई एम सो क्लेवर ही सेड दैट आई नो 100 वेज टू एस्केप एनिमीज। अब एक दिन क्या होता है कि उसको रैबिट मिलता है, तो रैबिट को बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हूँ और मुझे पता है, मुझे करीब 100 तरीके पता है कि कैसे जब भी कोई मुसीबत आएगी तो मुझे पता है कि कैसे भागना है उस मुसीबत से, 100 तरीके पता है मुझे। वाओ, द रैबिट सेड आई हैव ओनली वन बट इट वर्क्स वेल। रैबिट बोल रहा है कि वाह, मुझे तो एक ही पता है तरीका, पर वो अच्छा काम भी करता है। The fox said, "You should listen to me. I will teach you many, many more. You should know many ways to escape like I do." अब यहाँ पे फॉक्स क्या बोल रहा है कि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए और मैं क्या है कि मैं तुम्हें टीच मतलब तुम्हें सिखाऊंगा काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं भागने के, ठीक है। और वो जो मुझे पता है, जो कुछ तरीके ऐसे हैं जो मुझे भागने में मदद मिली है। Just at that moment, the fox and the rabbit heard the cry of a pack of hunters coming towards them. अब कुछ ही जैसे वो दोनों बातें कर रहे थे तो कुछ ही देर बाद क्या होता है कि फॉक्स और रैबिट जो है उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, एक जो रोने की मतलब पैक ऑफ हंटर्स मतलब एक झुंड जो होता है शिकारियों का, हंटर्स मतलब शिकार। तो क्या होता है जैसे उन्हें फिर अचानक से जब दोनों बात कर रहे थे तो अचानक से उन्हें रोने की आवाज़ आती है, किसकी, यानी काफ़ी ज़्यादा झुंड मतलब कि पैक मतलब झुंड होता है शिकारियों का जो उनके तरफ आने वाला होता है। अब क्या होता है नेक्स्ट, इमीडिएटली द रैबिट लिप डाउन हिज होल एंड वॉज गोन, यानी एकदम से जल्दी जल्दी रैबिट जो था लिप्ड मतलब जंप करना, उसने डायरेक्ट उसने जंप किया एक होल में और फिर वो वहाँ से चला जाता है। देन ही कॉल्ड बैक टू द फॉक्स, फिर बाद में वो आता है दोबारा और फॉक्स को बुलाता है और बोलता है कि ये मेरा प्लान है, अब दिस इज़ माई प्लान, यानी कि ये मेरा प्लान है, वॉट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करने वाले हो, तुम कैसे भागोगे सिचुएशन से। सो द फॉक्स थॉट फर्स्ट ऑफ वन वे देन अनदर, देन ही थॉट ऑफ अ बेटर वे, देन ही कंसिडर अनदर वे, and while he was thinking of all his clever choices, the hunters caught him up and he was soon carried off. यानी कि इस लास्ट पैराग्राफ में ये बताया है कि जे फॉक्स जो था पहले वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था, एक कोई एक तरीका सोचता था तो फिर दूसरा सोचता था, वो काम नहीं आता था तो दूसरा सोचता था, ठीक है। तो वैसे वो सोचते सोचते क्या हो गया, वो कन्फ्यूज हो जाता है और फिर बाद में लास्ट में जो हंटर्स आते हैं वो उसको आके पकड़ लेते हैं एंड ही मतलब रैबिट जो होता है वो सून कैरीड ऑफ, और जो रैबिट होता है वो अपने जो तो उसका एक तरीका होता है भागने का वो कामयाब हो जाता है। और जो फॉक्स जो काफ़ी ज़्यादा प्राउडली बोल रहा था कि मेरे पास तो काफ़ी 100 तरीके हैं, और वो सारे तरीके जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं उसके, ठीक है। तो ये थी ये स्टोरी द फॉक्स एंड द रैबिट। अब जो फॉक्स है यहाँ पे सिंबल क्या बता रहा है, फॉक्स का सिंबल होता है सिंबल, यहाँ पे ये बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो क्लेवर बता रहा है, ठीक है। और वो ब्रैग कर रहा है, ब्रैग मतलब कि टू स्पीक वेरी प्राउडली में, तो फॉक्स का ये यहाँ पे सिंबल बता रहा है। पर जो रैबिट था वो क्या है, वो उससे ज़्यादा स्मार्ट निकला, ठीक है। तो रैबिट का सिंबल हो जाएगा वो ज़्यादा स्मार्ट था वो, इसीलिए। तो ये क्या है, स्टोरी में भी आपको सिंबल्स पता चलते हैं। ओके, सो नाउ टेक आउट पेज नंबर 10, नेक्स्ट इज एक्टिविटी 10, एंड नाउ दिस इज अ स्टोरी ऑफ वेरी फेमस एम्परर अकबर एंड बीरबल। तो आपने ये स्टोरी तो काफ़ी फेमस भी है और काफ़ी अच्छी भी होती है, हमें काफ़ी अच्छे अच्छे मॉरल्स भी मिलते हैं इसमें से। तो उसी में से स्टोरी में से कुछ पार्ट यहाँ पे लिया हुआ है, दैट शोज अ सिंबल। ओके,
अब मैं आपको ये स्टोरी रीड कर रही हूँ। वन नाइट एम्परर अकबर ड्रीम्ड डैट ही हैड लॉस्ट ऑल हिज टीथ एक्सेप्ट वन। यानी कि एक बार क्या होता है कि रात को जो एम्परर अकबर होता है उसको वो रात को सपना देखता है कि उसके सारे जो दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, या फिर टूट टूट कर सिर्फ सारे दांत टूट जाते हैं पर सिवाय एक दांत उसका बच जाता है। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इनवाइटेड ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ हिज किंगडम टू इंटरप्रेट हिज ड्रीम। यानी दूसरे ही मॉर्निंग में, दूसरे दिन सुबह, वो सभी एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाता है अपने किंगडम में और उनको बोलता है कि आप ये जो मैंने ड्रीम देखा है उसे आप इंटरप्रेट करो। आप जैसे इंटरप्रेट मतलब कि उसको एक्सप्लेन करो, डिटेल में मुझे बताओ कि इसका मीनिंग क्या है जो उसने सपना देखा है। अब जो उसे सपना देखा होता है एम्परर अकबर ने, वो उससे डर जाता है कि अरे ये कैसा सपना मैंने देख लिया, ऐसा क्यों देखा मैंने। तो वैसे ही जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स मतलब कि जो आपको फ्यूचर, मतलब कि जो आपको एक फ्यूचर के बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे पंडित होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, ठीक है, तो डेट इज़ द एस्ट्रोलॉजर्स। एंड वो क्या बताते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसाइज डेट ऑल हिज रिलेटिव्स वुड डाई बिफोर हिम। तो काफ़ी लंबी डिस्कशन के बाद जो एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसाइज मतलब कि वो प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है, प्रिडिक्शन होता है। प्रोफेसाइज मतलब प्रिडिक्ट करना फ्यूचर के बारे में। तो वो ये बताते हैं जब उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि उनके सारे जो रिलेटिव्स हैं वो उनसे पहले ही वो मर जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला। तब ये सुनकर जो एम्परर अकबर होता है वो काफ़ी दुखी हो जाता है, पर थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है। और फिर नेक्स्ट क्या है, एम्परर अकबर वॉज वेरी अपसेट बाय दिस इंटरप्रिटेशन एंड सो सेंड अवे ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स विदाउट एनी रिवॉर्ड। यानी कि ये एम्परर अकबर बहुत दुखी हो जाता है ये इंटरप्रिटेशन सुनकर, और इसीलिए वो सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उन्हें बिना किसी रिवॉर्ड, मतलब बिना किसी अवार्ड के, बिना किसी जैसे रिवॉर्ड को उनको बिना किसी रिवॉर्ड के उनको भेज देते हैं, ठीक है। यानी जो खजाना होता है ना उसको बोलते हैं रिवॉर्ड। सो नेक्स्ट, लेटर दैट डे बीरबल एंटर द दरबार, एम्परर अकबर रिलेटेड हिज ड्रीम एंड आस्क हिम टू इंटरप्रेट इट। यानी उसी दिन क्या होता है, वो बीरबल जो होता है वो दरबार में आता है, एंटर करता है। एम्परर अकबर रिलेटेड हिज ड्रीम एंड आस्क हिम टू इंटरप्रेट इट। इसका मतलब जो अकबर होता है वो सब उसको पूरी सिचुएशन बताता है, उसको अपने सपने के बारे में बताता है। ड्रीम मतलब सपना, तो उसको सपने के बारे में बताता है और बीरबल को बोलता है कि मुझे ये बता और इसका मीनिंग बताएं, उसको इंटरप्रेट कर कि इसका क्या मीनिंग है। तो आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल बीरबल रिप्लाइड दैट द एम्परर वुड लीव अ लॉन्गर एंड मोर फुलफिल्ड लाइफ देन एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स। अब बहुत ज़्यादा सोचने के बाद बीरबल जो होता है थोड़ा टाइम लेता है और काफ़ी सोचने के बाद वो ये बोलता है, एम्परर को रिप्लाई करता है कि एम्परर जो है वो ज़्यादा जिएंगे, मतलब उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी लंबी रहेगी, लॉन्ग लाइफ जिएंगे वो और काफ़ी अच्छी भी रहेगी। और किससे, एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स, यानी कि उनके रिलेटिव से भी, जो उनके रिलेटिव्स हैं उनसे भी ज़्यादा वो लॉन्ग लाइफ जिएंगे और काफ़ी अच्छी लाइफ जिएंगे, तो ऐसा वो एम्परर बोलता है। सो नेक्स्ट, एम्परर अकबर वॉज प्लीज विद बीरबल्स एक्सप्लेनेशन एंड रिवॉर्डेड हिम हैंडसमली। अब ये इंटरप्रेट सुनकर जो अकबर होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है ये सुनकर, और फिर बीरबल को वो एक बहुत ही हैंडसमली, यानी कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में उसको और रिवॉर्ड देता है, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज टेक आउट पेज नंबर 11, ओके। एंड सो आई एम रीडिंग दिस, मैनी पीपल बिलीव डैट देयर ड्रीम्स हैव सिम्बॉलिक मीनिंग बट पीपल मे इंटरप्रेट द सिम्बॉल्स वेरी डिफरेंटली। अब कुछ लोग, जैसे क्या होता है कि जो तुम सपना देखते हो तो उसका भी एक सिम्बॉलिक मीनिंग होता है, ठीक है, उसका भी एक मीनिंग होता है। जो भी आप सपना देखते हो ना तो उसका भी एक मीनिंग होता है। जो लोग जो होते हैं वो अपने अपने ओपिनियंस देते हैं,
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, मैनी पीपल ड्रीम ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे आर हैविंग इन लाइफ. अब जैसे बट सम पीपल माइट थिंक ऑफ देयर प्रॉब्लम एज अ ह्यूज माउंटेन दैट नीड्स टू बी ओवरकम. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कुछ लोग जो होते हैं उनको लोग जो होते हैं उनके उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो किस टाइप का वो ड्रीम देखते हैं. तो कुछ लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि उनके जो उनको सपने में दिखाई देता है कि एज अ ह्यूज उनको एक बहुत ही बड़ा एक पहाड़ दिखाई देता है, ह्यूज माउंटेन दिखाई देता है, तो उसमें उनका क्या मीनिंग होता है कि डेट डे नीड्स टू बी ओवरकम. ओवरकम मतलब कि उससे आपको बाहर आना है, मतलब जो भी आपका डर है जैसे, तो उसको आपको कैसे ओवरकम करना है, उसे कैसे बाहर निकलना है, वो आपके ऊपर होता है. ठीक है, तो अनदर पर्सन माइट ड्रीम ऑफ अ प्रॉब्लम एज अ लॉक्ड डोर डेट नीड्स अ की. तो कुछ जो होते हैं वो पर्सन यानी इंसान, वो ऐसे ड्रीम्स जैसा उन्होंने उनको ड्रीम आता है, सपना आता है कि जो दरवाज़ा है वो लॉक हो चुका है, पर उसके लिए खोलने के लिए उनको क्या चाहिए, एक की चाहिए, एक चाबी चाहिए. मतलब इसका मतलब ये है कि उनको जो है वो ऐसे उनको सपने दिखते हैं और जिससे वो क्या होता है उनकी लाइफ में, रियल लाइफ में उनको ऐसी प्रॉब्लम्स होती है. अगर आपको अभी उसको दरवाज़ा जो है लॉक है, तो लॉक के लिए उसको खोलने के लिए क्या चाहिए, चाबी. तो वैसे ही आपको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको सल्यूशन ढूंढना है. क्या ढूंढना है आपको, सल्यूशन ढूंढना है. ठीक है, तो अनदर पर्सन माई सी अ हाई वॉल एज अ सिम्बल ऑफ अ प्रॉब्लम. यानी किसी को सपने में क्या दिखाई देता है, एक बहुत ही बड़ी दीवार दिखाई देती है, तो उसको वो क्या, दैट इज़ वो ऐसा समझ लेते कि वो एक सिंबल है प्रॉब्लम, मतलब उनकी लाइफ में नहीं तो कि प्रॉब्लम आने वाली है बहुत बड़ी. ठीक है, तो ये क्या होता है कि हर एक जो पर्सन होता है उनको एक अलग अलग उनका एक मीनिंग होता है, हर किसी का एक अपनी अलग सोच होती है. ठीक है, तो एंड नेक्स्ट इज इन द एक्टिविटी अबाउट द रैबिट एंड द फॉक्स यू थॉट अबाउट आइडियाज एंड पीपल दैट कुड बी सिम्बलाइज बाय द रैबिट एंड फॉक्स. Now think about objects that might symbolize some ideas. Use ideas from your own thoughts and dreams and think about stories and poems you have heard. तो जैसे अभी आप लोगों ने अभी स्टोरी मैंने आपको समझाई थी रैबिट और फॉक्स की, तो उसमें भी क्या था, वो अपना आइडियाज़ बता रहा था. जैसे फॉक्स अपने आइडियाज़ बता रहा था, तो रैबिट अपने आइडियाज़ बता रहा था. ठीक है, तो वैसे ही जो लोग होते हैं अपने ड्रीम्स को, अपने सपने को, उनको दिखता कुछ है तो वो इंटरप्रेट कुछ और कर लेते, तो उसको समझ कुछ और ही लेते हैं. समझ में आया, तो इसलिए यहाँ पे ये बोला है कि आपको अपने खुद के आइडियाज़ को यूज़ करना है, अपने खुद के थॉट्स को आपको यूज़ करना है. ठीक है, समझ में आया आपको. सो दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक, ये आपका लास्ट है चैप्टर. ठीक है, तो आपका चैप्टर फिनिश हो गया है इसी लास्ट एक्टिविटी से. ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स हार्डवर्क्स में आपको भेज दूंगी पिक से. ठीक है, थैंक यू.